मुरादाबाद में अब स्कूल खुल चुके हैं। अब ऐसे में बच्चों की फीस जमा करने के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा गेट के बाहर नो फीस नो एग्जाम का एक पोस्टर भी लगा दिया गया है। स्कूल का ये कहना है कि जब तक बच्चों की फीस जमा नहीं होगी उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में एक तिथि भी घोषित कर दी गई है। अभिभावक स्कूलों में पहुँच रहे हैं जहाँ पर फीस जमा करने को लेकर स्कूलों में हंगामे जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। शहर के कई स्कूलों में हंगामे जैसी स्थिति पैदा हुई और हालात कुछ बिगड़ते हुए दिखाई दिए। ऐसे में मुरादाबाद पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने सुरक्षा की मांग की है और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर कहा है कि फीस जमा करने तक स्कूलों में सुरक्षा मुहैया कराई जाए जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। मुरादाबाद के सभी पब्लिक स्कूल सरकार के आदेश के बाद खुल चुके हैं और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ स्कूल संचालित भी किए जा रहे हैं। काफी समय से स्कूलों में बच्चों की फीस जमा ना होने के कारण स्कूल के सामने भी काफी समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में स्कूल के गेट के बाहर नो फीस नो एग्जाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है। लगातार फीस जमा करने को लेकर कई स्कूलों में बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अभिभावक और स्कूल संचालक के बीच कहा सुनी का दौर भी देखा जा रहा है। कई महीने की फीस जमा करना और कई महीने की फीस माफ करने जैसी स्थिति हर स्कूल में दिखाई दे रही है। लगातार कई स्कूलों में हंगामे जैसी सूचनाएं भी आई जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने विद्यालयों में सुरक्षा देने की मांग की है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से मिले पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि स्कूलों में इस समय अभिभावक फीस जमा करने आ रहे हैं और कई स्कूलों में हंगामे जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की व्यवस्थाएं स्कूलों में कराई जाए जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। हम कोविड-19 में जितना रूल गवर्नमेंट का रहा सारा उसका हम फॉलो कर रहे हैं और अक्षरता पालन कर रहे हैं। हर पेरेंट्स के लिए आउट ऑफ वे जाके हेल्प कर रहे हैं। अब कोई ये चाहे कि बिना फीस के और बिना एग्ज़ाम दिए बाकी प्रोसेस पूरा हो जाए तो ये तो मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। अब इसकी मनवाने के लिए कोई न्यूसेंस क्रिएट हो ये भी अच्छा नहीं है। तो सिर्फ हम यहाँ DM सर के पास और SSP सर के पास आए हैं कि हमें थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए। अब मनोबल खराब गिर रहा है टीचर्स का स्टाफ का कि कोई बात ना हो जाए। हमारे प्रिंसिपल सर अगर इस तरीके से डरे रहेंगे तब हम कैसे बाकी सारे काम गतिविधियाँ स्कूल में पढ़ाई की एग्ज़ाम्स की चला पाएंगे। इसीलिए DM साहब ने क्या DM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपका जो ध्यान रखते हैं और हम आपकी बात मतलब हम आपको आपकी बात समझते हैं।